शाबरुम महकुमार के शाबरुम स्थित फेनी नदी के आसपास की किनारा टूटना रोकने के लिए केंद्रीय प्रतिनिधि फेनी नदी परिदर्शन में आते हैं। 2010 साल में शाबरुम की फेनी नदी की किनारा टूटना रोकने के लिए कुल मिला के 8 किलोमीटर के लिए केंद्र सरकार 54 करोड़ रुपए दिए हैं शाबरुम की वाटर रिसोर्स PWD डिपार्टमेंट में। 2013 साल तक शाबरुम की फेनी नदी भारत बॉर्डर पे नदी की किनारा बचाने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। दफ्तर ने और 14 करोड़ रुपए खर्चा करने का सिद्धांत लिया है भारत के बॉर्डर एरिया फेनी नदी की किनारा 8 किलोमीटर तक बचाने के लिए, जहां बोल्डर फेंसिंग की काम किया जाएगा। आज दक्षिण जिला के वाटर रिसोर्स PWD की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलीप देवनाथ के साथ केंद्रीय प्रतिनिधि सुधीर कुमार वाटर रिसोर्स PWD कमिश्नर और मनोरंजन देव वर्मा SE वाटर रिसोर्स PWD 8 किलोमीटर की अंदर आनंद पारा 2 रामेंद्र नगर एवं सेवक खोला ये 3 जगह घूम के देखते हैं, ये जानकारी हमें दी है दिलीप देवनाथ दक्षिण जिला वाटर रिसोर्स PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं WR PWD कमिश्नर केंद्रीय प्रतिनिधि सुधीर कुमार। आनंद पारा 1 एंड आनंद पारा 2 विजिट कर सकते हैं और इसका पर्पज यह है कि इरोजन कंट्रोल जो फेनी रिवर का इंडिया साइड में प्रोग्राम चल रहा है उसकी प्रोग्रेस कैसी है और क्या और चीज़ है। तो यहाँ पे जो बाकी जो कुछ काम बंद हो रखा है वो चालू हो जाएगा क्या? काम चालू करने के लिए ही आगे की फंडिंग होगी, काम पूर्ण हो आगे इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे। 2013 अवधि हमारे 40 करोड़ टाका खर्च हुई बैलेंस दी 14 करोड़ टाका। तो बैलेंस टाकाटा फंडिंग जेन करब तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारा इसे डायरेक्टर सर उन्नी आजगा सरोजमणि इन्सपेक्शन करता से इन्सपेक्शन करार पर पॉजिटिव आसे भांगा आसे फंड अप पेज हमारा आशा करी আগামী যে সব ঠিকঠাক থাকে আগামী মার্চে থেকে কাজটা শুরু করতে পারবে। কোন কোন জায়গাতে 14 কোটি টাকা এটা নতুন ওয়ার্ক আছে আনন্দপাড়া 2 আছে তারপরে রানীর বাজার আছে এখন বটতলা আছে আর তিনটা স্পট সেবক খোলা আছে।